तो इनका जो रिमेन एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10, इनका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे क्या बोले, 6 to the power n, n जो है वो नेचुरल नंबर मीन्स पावर जो है 6 का जो पावर होगा 1, 2, 3, 4 होना है सोन, तो उनका एंड प्लेस क्या 0 होगा। तो मैं एक बार हम लोग क्या कर रहा हूँ, इसमें नंबर देके एक बार चेक करता हूँ, 6 का पावर n, और यहाँ पे n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर बोले मीन्स n का जो वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 सोन ये होना है। तो 6 का पावर में n का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, 6 का पावर 1 क्या होगा, 6। जब मैं 6 का पावर 2 ले रहा हूँ, n का वैल्यू 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 36। जब n का वैल्यू मैंने 3 ले रहा हूँ, तो इनका रिजल्ट हो रहा है 206। तो यहाँ पे देखिए क्या इनका एंड प्लेस 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एंड प्लेस यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इनको थियोरेटिकली हम लोग लिखूँगा। तो यहाँ पे एक बात देखिए, अगर कोई एक नंबर सपोज यहाँ पे देखिए, सपोज 210 जो है इनका एंड प्लेस 0 है। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या बात होता है, ये 210 कौन सा नंबर से डिवाइड होगा। हाँ, 210 जो है इनका यूनिट प्लेस 0 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। 2 से भी डिवाइड होता है, 210 2 से भी डिवाइड होता है, लेकिन उस 2 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या होता है, 0 भी हो सकता है, यूनिट प्लेस 0 भी हो सकता है, और इवन नंबर्स भी हो सकता है, चाहे 4, 6, 8, 2 हो सकता है। इसलिए 2 को यहाँ पे नहीं लेना है। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो दैट मीन्स दिस नंबर शुड, अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस 0 दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होना है, 5 से डिविजिबल होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अभी थियोरिटिकली करूँगा, यहाँ पे तो देख रहा हूँ कि इसका यूनिट प्लेस जो है, एंड प्लेस जो है वो 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, एंड प्लेस 0 होने के लिए क्या होना चाहिए ना, एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए। हाँ, जैसा मैंने अभी बताया 210 ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस अगर 0 होता है दैट मीन्स वो 5 से डिवाइड होना है, प्राइम फैक्टर 5 होना है। तो यहाँ पे थियोरिटिकली क्या करूँगा, देखिए इनका क्या सॉल्यूशन होता है, वी नो एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विथ द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। इसमें क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उनका एंड प्लेस 0 होगा तब वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का एंड प्लेस 0 है तो दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहा हूँ 210, तो 210 मीन्स एंड प्लेस 0 है, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अभी तो यहाँ से क्या मतलब, सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कॉन्टेन द प्राइम नंबर फाइव। तो कोई एंड प्लेस 0 होना है, 5 से डिविजिबल होगा, तो दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन जो है नंबर उसमें 5 प्रेजेंट रहना है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग है 6 to the power n, 6 to the power n, 6 को फैक्टर करने से क्या मिलेगा, अगर 6 को फैक्टर किया जाए तो 6, 2, 3, तो दैट मीन्स 2 into 3 का पावर n। तो देखिए यहाँ पे ये जो
सिक्स का फैक्टर है, इसमें टू और थ्री प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे फाइव एब्सेंट है। अगर फाइव नहीं है तो एन प्लस भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स टू द पावर एन डज नॉट कॉन्टेन फाइव एज ए फैक्टर। तो यहाँ पे सिक्स टू द पावर एन में देखिए फाइव जो है वो फैक्टर नहीं है, तो सो सिक्स टू द पावर एन कैन नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया, आपको जस्ट नंबर्स लेके चेक कर रहा था, पावर एन वन, एन का वैल्यू वन टू थ्री लेके चेक कर रहा था। देखिए इनका यूनिट प्लेस जीरो नहीं हो रहा है, तो ये जस्ट चेक कर रहा हूँ। लेकिन थियोरिटिकली क्या होना है ना, अगर एन प्लेस जीरो होता है दैट मीन्स दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई फाइव। तो ये लिखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट जीरो इज डिविजिबल बाई फाइव। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कॉन्टेन द प्राइम नंबर फाइव, तो जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें फाइव होना ही है। तो सिक्स टू द पावर एन में देखिए फैक्टर क्या हो रहा है, टू और थ्री हो रहा है। तो यहाँ पे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स टू द पावर एन डज नॉट कॉन्टेन फाइव एज ए फैक्टर, सो सिक्स टू द पावर एन कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो। तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन में कभी सिक्स का प्लेस में फोर दे देंगे नंबर, हाँ सिक्स टू द पावर एन है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल में है फोर टू द पावर एन, फोर ना देखे आपको मान लीजिए आपका क्वेश्चन में एग्जाम का क्वेश्चन में ट्वेल्व टू द पावर एन, तो ये जो नंबर है ये आपका वेरी हो सकता है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम ही है। नंबर व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर ना, डेफिनेशन क्या था ना, दोज नंबर हैव ओनली दोज नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करना कि दो से ज़्यादा है तो कॉम्पोजिट होगा अदरवाइज प्राइम, वहाँ पे यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम लोग फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक में क्या पढ़ा था ना, सिक्स कॉम्पोजिट नंबर दैट मीन्स उनको हम लोग क्या कर सकता हूँ, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में का फॉर्म में लिख सकता हूँ। सपोज अभी एक नंबर है ए, अभी ये कॉम्पोजिट है हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या मिलेगा, अगर ए जो नंबर है इनको फैक्टर करूँगा, अगर ये फैक्टर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, सपोज पी वन पी टू पी थ्री सब प्राइम का प्रोडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ए नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेटमेंट पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम का, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो दैट मीन्स कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स का फैक्टराइज करने से वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे भी इनको हम लोग सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके अगर देखूँगा कि वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है दैट मीन्स वो जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। देखिए इनका सॉल्यूशन, सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन इलेवन इंटू करने से क्या होगा, थर्टीन तो 143 के साथ सेवन इंटू करिए, सेवन ट्वेंटी वन टू वन डबल ज़ीरो 1001 इनका साथ अब 13 ऐड कर देने से होगा 1014, तो यहाँ पे हम लोग हो रहा है 1014। अब ये जो 1014 है
इनको क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा। वन थाउजेंड फोर्टीन को फैक्टराइज करता हूँ, टू फाइव जा टेन, उसके बाद टू डिजिट आ रहे हैं तो आपको जीरो लेना है, टू सेवन जा फोर्टीन, थ्री से डिवाइड होगा, थ्री वन जा थ्री ट्वेंटी, तो थ्री सिक्स जा एटीन ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन वन सिक्सटी नाइन, दैट मीन्स थर्टीन स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन, थर्टीन इंटू थर्टीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन थाउजेंड फोर्टीन मीन्स यही नंबर जो है इनका फैक्टराइजेशन आंसर क्या हो रहा है, टू इंटू थ्री इंटू थर्टीन इंटू थर्टीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फैक्टराइजेशन किया हूँ ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स ये जो आपका वन थाउजेंड फोर्टीन है ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँ, वी नो एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो सो सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन इज ए कॉम्पोजिट, इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर्स दिया है इनको सॉल्व करिए, एक नंबर मिलेगा, फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आएंगे, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में आपको बोला गया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, हाँ, सर्कुलर पाथ में क्या होगा, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रहा है, सोनिया उनको टाइम लग रहा है 18 मिनट्स पूरा कंप्लीट करने के लिए, और रवि उनको लग रहा है 12 मिनट लग रहा है पूरा कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर पाथ में पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने के लिए। अभी दोनों जो है सेम ही पॉइंट से जर्नी शुरू किया, हाँ, सेम समय में सेम पॉइंट से जर्नी शुरू किया, तो सवाल है कितना समय बाद उन लोग सेम जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे रवि को जो है 12 मिनट लग रहा है सेम डिस्टेंस को, सनिया को 18 मिनट्स समय लग रहा है, तो दैट मीन्स कौन फास्ट है यहाँ पे, रवि फास्ट है, तो दैट मीन्स रवि जो है ऑलवेज आगे चलते रहेंगे सोनिया से। तो कितना समय बाद उन दोनों ने सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, सो दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो दोनों टाइम है 18 और 12 उनका एलसीएम फाइंड आउट करिए, तो दैट मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करने से दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और अपना दोस्त को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आप तक आसानी से मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।